हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दस्तखान डायरीज़। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ स्ट्रीट स्टाइल चिकन हक्का नूडल्स। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नूडल्स बॉईल करने के लिए एक पैन में पानी लीजिए, उसमें एक टीस्पून नमक, एक टेबलस्पून तेल डालकर पानी को अच्छे से बॉईल कर लीजिए। पानी में बॉईल आने के बाद उसमें एक पैकेट नूडल्स का डालिए और उसे 6 से 7 मिनट तक का पकाइए। फिर आप नूडल्स को छान लीजिए। मैंने नूडल्स को ठंडे पानी से धो लिया था ताकि वो एक दूसरे से चिपके नहीं। धोने के बाद नूडल्स में एक चम्मच तेल ऐड करें, उसे मिक्स करें और साइड में रख दें। अब हम सारे वेजिटेबल्स चॉप कर लेंगे। मैंने 6 से 7 मशरूम्स लिए हैं, 4 बेबी कॉर्न, 1 गाजर और 1 शिमला मिर्ची। सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से चॉप कर लीजिए। आप अपनी पसंदीदा कोई भी वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक पैन में 4 चम्मच तेल लीजिए और उसमें 2 अंडे ऐड करें। अंडों में 1 चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच काली मिर्ची डाल के अंडों को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। फ्राई होने के बाद अंडों में चॉप की हुई वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए। अब इन वेजिटेबल्स को 3 से 4 मिनट तक पकाएं। मैंने इसमें फूड कलर इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं। वेजिटेबल्स को अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएं। मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था तो 1 कप बॉयल हुई हुई चिकन ऐड करना है, 3 हरी मिर्चें और 1 चम्मच लहसुन। आप चाहें तो, अगर आप तेज़ नहीं पसंद करते हैं तो आप ये स्किप कर सकते हैं, मिर्ची ऐड ना करें। अब इसमें बॉयल हुए हुए नूडल्स ऐड करिए और सारे वेजिटेबल्स नूडल्स के साथ अच्छे से मिक्स करिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से और नमक डाल सकते हैं, नमक और काली मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। अब इसमें 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच शेजवान सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस और 1 चम्मच विनेगर ऐड करें। सारे नूडल्स को इन सॉस के साथ अच्छे से मिक्स करें। आपको हल्के हाथों से मिलाना है, नहीं तो सारे नूडल्स टूट जाएंगे। अब इसमें हरी प्याज डालें और आपकी रेसिपी तैयार है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अच्छी रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।